इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? एशिया टेलीकॉम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कोई भी काम अगर आपको सही तरीके से करना है तो क्या आपको दिमाग में ध्यान रख के वो काम को करना चाहिए, इस बात को लेकर आज मैं आपके लिए वीडियो आपके समझ लेके आ रहा हूँ कि कभी भी अगर हम कोई भी काम करते हैं ना तो हमारे दिमाग में दो ख्याल आते आते हैं। पहला ये कि अगर नहीं हुआ तो क्या, और अगर हो गया तो क्या, और हम इन दोनों के बीच में हम सोच में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पता करना है, अगर आपको सही में जानना है कि अगर कोई भी काम में आपको सक्सेस पानी है और कौन सा चुनाव आपको करना है, तो ये कहानी आपके लिए, ये कहानी जरूर सुनिएगा। दोस्तों एक हास्य अभिनेता था एक शहर में, जिसके अभिनय को देखकर काफी लोग प्रसन्न थे और हंस हंस के पागल हो जाते थे। तो एक अखबार वाले ने सोचा कि चलिए इसका इंटरव्यू लिया जाए, क्योंकि ये अभी काफी फेमस हो चुका था। तो उस अखबार वाले ने उस हास्य अभिनेता का इंटरव्यू लिया और बहुत सारे सवाल जवाब किए। आखिरी में उस अखबार वाले ने एक सवाल किया और पूछा कि इस दुनिया में एक कौन सा वो रिकॉर्ड है जो आप तोड़ना चाहते हो। तो वो हास्य अभिनेता चुप हो गया और वो सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तब उसने आखिरी में उसका जवाब दिया, उसने कहा कि मैं एक मिनट में सबसे ज्यादा शब्द बोलने वाला रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ। क्योंकि वो अखबार वाला उससे काफी प्रभावित हो चुका था, तो उसने उस चीज को अपने अखबार में डाल दिया और वो आग की तरह फैल गई। दोस्तों हर जगह, हर शहर में, हर दुनिया में सिर्फ यही प्रचार था कि इस अभिनेता ने इस तरह का एक इंटरव्यू दिया है कि वो एक ऐसी चीज करना चाहता है, एक ऐसा रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहता है जो एक मिनट में सबसे ज्यादा शब्द बोले। तो ये बात सुन के एक लाइव शो ने उस अभिनेता को आमंत्रित किया अपनी जगह और उन्होंने बोला कि हम आपको स्टेज देंगे, हम आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे लाइव आने का, आपको एक मिनट के अंदर आपको वो रिकॉर्ड तोड़ना है अब सबसे ज्यादा शब्द बोलने का। तो जैसे ही उसने सुना, वो अभिनेता डर गया, क्योंकि उसने उसकी कोई पहले से तैयारी नहीं थी, उसने वो इंटरव्यू में ऐसे ही उस चीज को बोल दिया था। तो उसके दिमाग में दो ख्याल आता है। तो पहला ख्याल ये आया कि अगर मैं हार गया तो क्या, क्योंकि अगर दोस्तों वो हार गया तो उसके जो भी प्रशंसक या जो उसको प्यार करते हैं, चाहने वाले हैं, वो उसे नफरत करने लगेंगे। उसकी जितना भी वो फेमस हुआ है वो सब कुछ वो उतना ही डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। पर अगर वो जीत गया तो उसने सोचा कि अगर वो जीत जाता है तो दुनिया भर में उसकी ख्याति बढ़ जाएगी और लोग उसको हर जगह जगह उसको देखने के लिए उसको भीड़ जमा हो जाएगी और उसके काफी उसको शो मिलेंगे, उसको पैसे मिलेंगे। तो ये सोच के वो और खुश हो गया। तो उसने सोचा कि अगर मैं जीत जाता हूं तो मुझे इतना सब कुछ मिलता है। तो दोस्तों वो लाइव रिकॉर्ड में आकर उसने एक मिनट के अंदर वो रिकॉर्ड को ब्रेक किया। तो दोस्तों मैं इस मोटिवेशनल स्टोरी से ये समझाना चाहता हूं कि जब भी हम कोई काम करते हैं ना, हमारे सामने भी ये दो पहलू आते हैं। पहला कि अगर मैं हार गया तो क्या, और दूसरा अगर मैं जीत गया तो क्या। कौन सा आपको चुनाव करना है? जैसे कि हास्य अभिनेता ने दोनों पहलू को सोचा पर चुनाव किया। दूसरा उसने सोचा कि हार गया तो मैं बर्बाद तो हो सकता हूँ, पर जीत गया तो मैं कितना और आगे बढ़ सकता हूँ, और इस चीज को लेकर उसने अपने उस रिकॉर्ड को फेस किया। वैसे ही हमें जिंदगी में अगर आपको सक्सेस पानी है तो आप ध्यान रखिएगा, आपको दूसरा चुनाव करना है कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो सोचो मेरे पास में कितने पैसे होंगे, सोचो मेरे कितने लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरा कितना नाम होगा, मैं अपने माँ बाप का कितना नाम कमाऊंगा। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी, और ये बात दिमाग में रख के आपको मेहनत करनी है। और दोस्तों आप देखेंगे कि आप एक दिन जरूर जीतेंगे। मैं देवरत्न अग्रवाल आपके साथ इसी तरह हर दिन एक नया मोटिवेट वीडियो आपको लाकर ये कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा चेंज कर सकूं। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब किया है तो थैंक्स, और नहीं किया है तो भी थैंक्स। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक किया है तो थैंक्स, और अगर लाइक नहीं भी किया है तो भी थैंक्स, क्योंकि एटलीस्ट आपने इस वीडियो को एन आईएसओ 9001 एंड 2008 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट कॉल फॉर एडमिशन 9644139972 डाउनलोड मोबाइल फ्री रिपेयरिंग एंड्रॉइड एप्स लिंक इन डिस्क्रिप्शन।